उत्तराखंड स्नातक और शिक्षक के चुनाव में भाजपा विधायक पर बूथ कैप्चिंग के आरोप लगाए हैं। बूथ कैप्चिंग का आरोप माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने लगाया। इसको लेकर आज कमिश्नरी पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में भाजपा के सिवाल खास विधायक पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने मतदान के दौरान दूसरे प्रत्याशियों के बस्तों पर जाकर अभद्रता की। कई शिक्षकों ने भाजपा विधायक पर मारपीट का भी आरोप लगाया है। आरोप है कि भाजपा विधायक ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि कुर्सी और अन्य सामान भी उठाकर फेंक दिया। शिक्षक संघ ने भाजपा विधायक के गिरफ्तारी की मांग की। शिक्षक संघ का कहना था कि अगर भाजपा विधायक को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। मैं सुशील कुमार सिंह, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट का प्रांतीय मंत्री हूं। एक विधायक द्वारा, सिवाल खास के विधायक द्वारा, जितेंद्र सिंह द्वारा कल पोलिंग के समय में हमारे एक शिक्षक साथी के साथ मारपीट की गई। एक नहीं, कई साथियों के साथ मारपीट की गई और वहाँ पूरा हमारे जो बैठे थे साथी, उनकी सारी चुनाव सामग्री जो बूथ के लिए थी, कुर्सियाँ, सब पर तोड़फोड़ की गई और ऐसा नंगा नाच किया गया जिसकी हम भर्त्सना न केवल भर्त्सना करते हैं बल्कि चेतावनी भी देते हैं उस विधायक को कि अवसर आने पर उसका मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। 22 नज़दीक है। क्या मांगे हैं आपकी, किस लिए आज यहां पर? मांगे ये हैं कि शासन उनके खिलाफ कार्रवाई करे, उस विधायक को, निकम्मे विधायक को गिरफ्तार करे। ये हमारी प्रमुख मांग है।